नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रदेश में नए आरक्षण फॉर्मूले के कारण इस साल पीएससी एक भी पद पर भर्ती नहीं कर पाएगा। भर्तियों के लिहाज से 2019 जीरो ईयर होने की कगार पर है, यानी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी से लेकर अन्य विभागों की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे युवा एक साल के लिए पिछड़ जाएंगे, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो कांग्रेस ने इसके लिए पिछली रमन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में आज चर्चा जीरो ईयर पर जंग के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में पीएससी का मौजूदा सत्र जीरो ईयर ना हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन जीरो ईयर की स्थिति क्यों बनी, इससे लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, तो कांग्रेस ने पूर्व की रमन सरकार पर पलटवार किया। सियासी वार पलटवार के बीच पीएससी ने जीरो ईयर की अटकलों से इनकार कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विवादों से जिस आयोग का वर्षों से नाता रहा, जहां से अक्सर मामला कोर्ट तक जाता रहा, वो आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कहलाता है। यही लोक सेवा आयोग या कहिए पीएससी एक बार फिर सुर्खियों में है। चर्चा इस बार पीएससी में मौजूदा सत्र जीरो ईयर होने को लेकर है। जीरो ईयर इसलिए क्योंकि पीएससी के पास सरकारी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी आई नहीं। अब जैसे ही यह खबर आई कि इस साल पीएससी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं करेगा, जिससे सियासी बवाल मच गया। भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो विधिवत रूप से पीएससी हर साल एग्जाम देती है, उसको कराने के लिए उसके लिए पोस्ट देने के लिए भी तैयार नहीं है सरकार। ये मतलब आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको कई दफे रिमाइंडर भेज चुके हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस प्रदेश के नई सरकार के सामने युवाओं के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। भाजपा के इन आरोपों पर जवाब तो आना ही था। कांग्रेस की ओर से लगातार इस पर पलटवार होने लगा। कांग्रेस की ओर से तो यह भी कह दिया गया है कि रमन सरकार के कार्यकाल में चार बार पीएससी में जीरो ईयर रहा, एक भी परीक्षा बिना विवादों के साथ नहीं हो सकी। मंत्रियों पर पीएससी के घोटाले में संलिप्त रहने के आरोप लगे हैं। बिल्कुल नहीं है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। कोई जीरो ईयर नहीं है, मैं पहले भी परसों भी बोल चुका हूँ। अब मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान ले लिया तो पीएससी में बैठे लोगों की क्या मसाल। उन्होंने तत्काल कह दिया कि अभी हमारे पास विज्ञापन जारी करने का वक्त है। फिलहाल तीन विभागों से रिक्त पदों की जानकारी है। अन्य विभागों से जानकारी मिलते ही परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जीरो ईयर की स्थिति नहीं है। फिलहाल तमाम सियासी उठापटकों और देरी के बीच छात्रों की निगाहें सच पूछो तो आयोग के विज्ञापन पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। और आपको बता दें कि प्रदेश में नए आरक्षण फॉर्मूले के कारण इस साल पीएससी एक भी भर्ती नहीं हो पाएगी। अब इन अटकलों के बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। भर्तियों के लिहाज से 2019 की जीरो ईयर की होने के कगार पर अब सियासत गर्माने लगी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता और सबसे शशांक शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आपको दोनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, आप ही से सवाल है कि आखिर क्या चल रहा है, मांजरा क्या है? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, हालांकि आपने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी जानकारी दी थी और साथ ही साथ कुछ खोले भी थे कि 2003 से लेकर चार बार रमन सिंह की सरकार में नहीं, जीरो ईयर रहा, तमाम ऐसी बातें की थी, लेकिन आखिर मामला क्या है? छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हैं
कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या जीरो ईयर है? हालांकि इससे बाद में इनकार कर दिया गया, सीएम भूपेश बघेल ने बतौर ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी समय है और भर्तियां होगी, इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। स्थिति क्या है वो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी रोज कोई न कोई नई अफवाह फैलाती है। कभी कहती है कि 2500 रुपए में धान नहीं खरीदेंगे, अब कह रहे हैं कि पीएससी नहीं होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएससी होगी, हर हाल में होगी। पीएससी तो भाजपा के सरकार में नहीं हुई थी, 2003 में नहीं हुई, 2004 में नहीं हुई, 5 में नहीं हुई, 7 में नहीं हुई, चार चार साल तक पीएससी नहीं हुई। जो गड़बड़ियां 2003 के पीएससी की हुई, 13 साल बाद उसमें अदालत का फैसला आया। जिन बच्चों ने डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बने बिना अपनी जिंदगी की 13 साल बिता दिए, भाजपा सरकार उनकी गुनहगार है। भाजपा सरकार के समय प्लेसमेंट एजेंसियों को काम दिया जाता था और ज्यादातर प्लेसमेंट एजेंसियां भाजपा के नेताओं की, संघ के नेताओं की थी। इन लोगों ने प्रदेश की युवा पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ किया है और आज झूठी अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाना इनका चरित्र है, ये गोयबल्स के अनुयायी हैं। चलिए नितिन जी, जिस तरीके से त्रिवेदी जी, जिस तरीके से देखा जाए, कहा यह जा रहा था कि जो विभागों के पास से रिपोर्ट आ जानी चाहिए, कहां कितने जो पद हैं वो रिक्त हैं, वो रिपोर्ट आखिर पहुंची क्यों नहीं अब तक, जो कि सितंबर और अक्टूबर माह तक पहुंच जाती है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? ऐसी कोई बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर किसी विभाग ने लेट रिपोर्ट की है तो उससे जवाब तलब किया जाएगा, लेकिन सरकार के अंदर बैठे आरएसएस के किसी एजेंट के द्वारा दी गई अधूरी आधी कचरी जानकारी के आधार पर पूरे प्रदेश के युवा वर्ग को भयभीत करने का ऐसा भाजपा को कोई अधिकार नहीं। चलिए शशांक जी, जिस तरीके से देखा जाए, इसमें कहा जा रहा था कि जो नया रोस्टर है आरक्षण को लेकर, उसकी वजह से लेट लतीफी का जिक्र सामने निकल कर आया, इसमें सत्यता कितनी है? बल्कि शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर है नहीं तो भर्ती होगी तो क्या वो नए रोस्टर से होगी, और नए रोस्टर्स के अकॉर्डिंग होगी तो फिर ये मामला थोड़ा सा डगमगाने वाला हिसाब किताब है, क्योंकि इस पर अभी इस पर लगा हुआ है। किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक रोस्टर का सवाल है तो ये जो एक संदेह की स्थिति बनी या एक तरह से जो भ्रम की स्थिति बनी, उसके पीछे मूल कारण यह था, ठीक है, कि प्रदेश में आरक्षण का जो एक स्तर था उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया जी। और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने परिवर्तन हुआ, लोग में गया कि अगली भर्ती जो भी होगी वो नए आरक्षण नियम के तहत होगी, ठीक है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण पर स्थगन आदेश दे दिया, ठीक है, और अभी तक वो स्थगन आदेश क्योंकि वेकेट नहीं हुआ है, तो अब लोक सेवा आयोग के पास भी यह भ्रम की स्थिति है कि पुराने आरक्षण के आधार पर भर्ती करें या नए आरक्षण के हिसाब से। पुराना जो आरक्षण नियम है वो पीएससी कह रहा था कि चूंकि स्टे वेकेट नहीं हुआ है तो हम उस तरह से करेंगे, और मंत्रालय में जो लोग काम कर रहे थे उनका कहना था कि हमारे पास ये आधार है कि चूंकि एक नए आरक्षण पद्धति का नोटिफिकेशन हो चुका है इसलिए हम नए आरक्षण के हिसाब से करेंगे। तो मुझे लगता है ये द्वंद्व है, लेकिन मैं इसके परे आप बात कहता हूँ। पहली बात कि किसी भी राज्य का या संघ का जो लोक सेवा आयोग होता है ये एक संवैधानिक पद है, यह राजनीति का विषय तो कतई नहीं है, न राजनीतिज्ञों को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, न इस पर कोई बयानबाजी करनी चाहिए। नंबर दो, हर राज्य में किसी न किसी जगह पर आके जीरो ईयर होता है, और ये जीरो ईयर होने के केवल प्रशासनिक कारण या राजनीतिक कारण नहीं होते हैं, यह कई कई बार न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण भी हो जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान हो या पंजाब हो। तीसरी बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 2002 में, श्री मोहन शुक्ल जी जब इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद से लगातार 2010 तक लोक सेवा आयोग लगातार विवादों में रहा, इसकी हर परीक्षा जो है वो न्यायालय में रही इसके कारण। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर प्रदीप जोशी जब यहाँ अध्यक्ष बनकर आए तो उन्होंने इसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक व्यवस्था बनाई कि हर साल 26 नवंबर को लोक सेवा आयोग राज्य सेवा नोटिफिकेशन जारी करेगा।
और ये लगातार चार वर्ष से होता आया है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। लोक सेवा आयोग के काम करने का अपना तरीका होता है, प्रशासनिक अमले बिठाकर करना पड़ता है। मैं आपको एक बात और आखिर कि देखिए, हमें इस बात को नहीं पर में और मार्च से लेकर लगभग जून तक आचार संहिता लगी हुई थी, जिसमें पूरा अमला जो है वो चुनावी कार्य में लगा हुआ था। संभव है कि प्रशासनिक अमला अपने समय सीमा पर न भेजा गया हो, तो यह भी हो सकता है कि 26 नवंबर की जगह वो 25 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ सकता है। सवाल है कि परीक्षा होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि 26 नवंबर को ही उसका नोटिफिकेशन आए, ठीक है, और ये राजनीति का विषय तो कतई नहीं है। ठीक है त्रिवेदी जी, जिस तरीके से देखा जाए, अभी उन्होंने जिक्र किया द्वंद वाली बात जो कही कि नए रोस्टर के अकॉर्डिंग, आरक्षण नीति के अकॉर्डिंग आएंगी या भर्ती की जाएंगी या फिर पुराने ही अकॉर्डिंग होगी, इस पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या है। आपने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हर विभाग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है जो रिक्त पद हैं, और कुछ ने नहीं भेजी है उन पर सवाल जवाब किया जाएगा। जिन्होंने भेज दी है उन्हें किसके तहत ये भेज रही है, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा उससे पर्दा उठाएं। सबसे हम परीक्षा में कोई देर नहीं होने देंगे, के बजाय दूसरी बात आरक्षण की बात कही गई कि इस सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाया उनकी जनसंख्या के अनुपात में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है। मैं इस बात को रेखांकित करके कहूंगा कि आरक्षण 50% से ऊपर अगर जाएगा तो उसको अदालत में चुनौती देना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण लक्ष्मण रेखा सबसे पहले किसने पार की? रमन सिंह जी ने 58% आरक्षण दिया, और यदि भूपेश बघेल जी ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो इसमें पिछले दरवाजे से राजनीति करना, आना परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के बीच झूठा भ्रम फैलाना, यह बेहद गलत है, युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो त्रिवेदी जी, 54 विभाग में से कितने विभाग ऐसे हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है? तकरीबन देखिए, मैं कोई अशकी अधिकारी नहीं हूं, ना विभाग समझ पा रहा, लेकिन अभी आपने जैसा भाजपा के समय होता था, तो मैं नहीं नहीं एक मिनट मैं आपसे मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कि भाजपा के समय जैसे आरएसएस और भाजपा संगठन के पास सरकारी विभाग रिपोर्ट किया करते थे, वैसा कांग्रेस की सरकार में नहीं होता। मैं विभागों की जानकारी आपके पास लेकर नहीं आया हूं, मैं आपके पास आया हूं तो मुख्यमंत्री जी के इस कथन पर विश्वास और भरोसा करके कि परीक्षा समय पे होगी, परीक्षा अवश्य होगी, इस साल भी परीक्षा होगी, जैसा भाजपा के समय हुआ चार चार साल तक जीरो ईयर रमन सिंह जी के समय, वैसा कांग्रेस की सरकार में नहीं होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सवाल वैसा रहा, आपने क्लियर ही कर दिया। शशांक जी, जिस तरीके से देखा जाए, कहा जा रहा है कि ऐसे खबरें भी आई कि यहाँ पर जो पीएससी के चेयरमैन ने जाकर राज्यपाल को निवेदन किया कि इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करके इस मामले को क्लियर कीजिए, और ऐसे तरीके की तमाम खबरें आई, तो क्या उन खबरों से जिक्र किया जाए? क्योंकि अभी त्रिवेदी जी से जो सवाल पूछा, हालांकि उन्होंने उसका सही सही उत्तर नहीं दिया, किस रोस्टर के तहत क्या प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद जो रिक्त स्थान है वो भरे जाएंगे या फिर उनकी रिपोर्ट पहुंचेगी पीएससी के पास और उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। मैं देना चाहूंगा। जी 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 त्रिवेदी जी, आप दे दीजिए जवाब। देखिए ऐसा है, मैं जो आरक्षण, नया आरक्षण लागू किया गया है सरकार ने, उस आरक्षण को लागू करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है और उस आरक्षण के अनुरूप परीक्षाएं होंगी। ठीक है, जहां तक अदालत की कार्यवाही है, स्वाभाविक रूप से न्यायालय एक अलग विषय होता है, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से उसमें किसी प्रकार की किसी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है शशांक जी, जैसे उन्होंने भी साफ साफ कर दिया कि जो नए रोस्टर यानी कि जो नए आरक्षण नीति उसके तहत, लेकिन उसके तहत अगर करेंगे तो फिर कैसे होगा? देखिए वो एक्चुअल में उच्च पर स्थगन दे दिया है। हाँ, या तो सरकार यह करे कि उस स्थगन को वैकेट कराए, हाँ, और कहे कि भाई ये जो हमने नया नोटिफिकेशन जारी किया है उस आधार पर ही वो आरक्षण लागू हो। दूसरी बात ये देखिए, हमने कुछ संस्थाओं को राजनीति और कार्यपालिका से पूर्ण मुक्त रखा है, उनमें आप चाहे कोर्ट को ले लीजिए या लोक सेवा आयोग को ले लीजिए या कैग को ले लीजिए,
आपको मैं संवैधानिक स्थिति बताना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग ने राज्यों के भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पे राज्यपाल जरूर करता है, लेकिन इनको हटाने की शक्ति जो है वो राज्य के किसी अधिकारी के पास नहीं है। वह संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णय लेता है। इसका मतलब यह है कि यह राजनीति का कतई विषय नहीं है। अगर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसी प्रकार की समस्या आई जो उनकी एक कटिबद्धता एक प्राथमिकता थी कि 26 नवंबर को उनका नोटिफिकेशन जारी होना था, बिल्कुल, और उनको लगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अपनी बात राज्यपाल के समक्ष रखी। राजभवन से ये जो फीडबैक मिला होगा उसके आधार पर मीडिया ने ये प्रकाशित किया होगा। लेकिन मैं इस बात के लिए दो बातें और कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो मीडिया है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खबर वो छाप रहे हैं वह पूरी सत्यता और जांची परखी होनी चाहिए। इस तरह की अफवाह मीडिया को नहीं उठाना चाहिए। लगातार 2-3 दिन इस तरह की खबरें आती रही। देखिए, ये जो खबर है उस खबर का जो दूरगामी असर होता है उसको हमको छात्रों की दृष्टि से समझना पड़ेगा। एक छात्र जो है अपना इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद अपनी नौकरी ना कर उच्च सरकारी सेवा में जाने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल वो तैयारी कर रहा हो, कठिन, और उसके परिवार के लिए भी बहुत कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात मीडिया को भी, दूसरी बात, अगर 26 नवंबर को यह नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है तो मैंने पहले भी कहा है कि कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर यह नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को जारी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, लोक सेवा आयोग के भी आज मैं देख रहा था सचिव का एक स्पष्टीकरण आ गया है। बिल्कुल, प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया में विलंब हो सकता है लेकिन 0 ईयर नहीं होगा। हमको इस बात का विश्वास रखना चाहिए। ठीक है त्रिवेदी जी, जिस तरीके से छात्रों की खबर आने के बाद छात्रों में जागरूकता पैदा हो गई, हालांकि उसके बाद स्पष्टीकरण दे दिया सीएम भूपेश बघेल ने, कैसा नहीं है, 0 ईयर नहीं जाएगा, हम करेंगे भर्ती, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें कितना वक्त लग जाएगा कि छात्र, अगर छात्र हमारे साथ मौजूद नहीं है लेकिन अगर होता या फिर छात्र जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक जो नोटिफिकेशन है विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा या फिर भर्ती जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो पाएगी, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाए तो। नोटिफिकेशन जारी करने की कोई निर्धारित तिथि नहीं होती है, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी हो। एक साल छात्रों के खराब होने की पीड़ा और वेदना का, जिस वेदना का जिक्र शशांक जी कर रहे थे, 4-4 साल इस राज्य के लोगों ने वो वेदना झेली है, और मीडिया पे आरोप लगाने के पहले मीडिया में अगर कोई खबर आई, डॉक्टर रमन सिंह जी तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनने बयान दे दिया बिना जाने समझे, बिना जानकारी पुष्ट किए, बिना पीएससी से बात की। इस तरीके की स्तरहीन राजनीति से भाजपा के द्वारा सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए की जा रही ऐसी स्तरहीन राजनीति से छात्रों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए रमन सिंह जी को और भाजपा को क्षमा याचना करना चाहिए प्रदेश की युवा पीढ़ी से। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से देखा जाए कि हालात जो बन गए हैं और उसके बाद जो स्पष्टीकरण का माहौल जो चल रहा है कि चलो ठीक है इधर से बयानबाजी उधर से सियासी, इसमें छात्रों का कितना नुकसान हो सकता था, और अगर ये परीक्षा थोड़ी सी लेट होती, आपने कहा कि अगर 25 से 26 हो जाती है 28 हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ज्यादा परीक्षा लेट होती है तो छात्रों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ऐसे समय में जब उनकी, मान लो कि अगर दिसंबर में उनके ओवरएज हो रहा हो या फिर जनवरी में कुछ छात्र ओवरएज हो रहे हैं तो उन पर तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। नहीं नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जो उम्र या आयु निर्धारित की जाती है वो एक निश्चित दिन 1 जनवरी 2019 की तिथि को तय की जाएगी कि उस उम्मीदवार की आयु क्या है। तो इसीलिए अगर ये दिसंबर में भी हो या फरवरी में हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है लोक सेवा आयोग को लेकर वो सर्वथा गलत है। ठीक है, दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ये निर्देशित नहीं कर सकते लोक सेवा आयोग की कि ये परीक्षा उनको कब लेनी चाहिए और लेनी ही चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, किसी पार्टी के प्रवक्ता ये बात की जानकारी दे सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्यों, क्योंकि यह एक संवैधानिक और बेहद स्वायत्त विषय है, अर्ध न्यासी निकाय है,
तो इसलिए ये केवल लोक सेवा आयोग ही इसका स्पष्टीकरण दे सकता है, जो आज मैंने पढ़ा है उसके आधार पर। नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसके आधार पर ये परीक्षा होगी, शून्य ईयर नहीं होगा। जो आपका सवाल है कि अगर दो तीन माह आगे पीछे हो भी जाए तो परीक्षार्थी को कोई तकलीफ नहीं है, ये स्पष्टीकरण अगर आ जाए कि परीक्षा होगी तो लोगों की पढ़ाई में मन लगा रहेगा और परीक्षा की तैयारी गंभीरता से करते रहेंगे, उनका मन नहीं टूटेगा, उनका मनोबल नहीं टूटेगा, परिश्रम करते रहेंगे, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है मूल कारण है इसका। और इसके इसके पीछे की वजह आप कुछ जो विभाग है उनकी लेट लतीफी भी मान सकते हैं, इसके पीछे की लेट लतीफी कि इसकी वजह से ये लेट हो रहा है या फिर अभी तक जो जानकारी नहीं पहुंची, हालांकि विभाग की भी हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव का समय चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो उसमें हो सकता है कि अधिकारी नहीं दे पाए हों ये जानकारी, इसके अलावा भी नहीं। ये देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, मैं जहां तक ट्रैक कर रहा हूं लोक सेवा आयोग को, तो 2009 से अगर मुझसे आप पूछेंगे पिछले 10 साल का, तो एक जो नौकरशाही व्यवस्था है ना, उस नौकरशाही व्यवस्था के अंदर में भी लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय होने के बावजूद जो नौकरशाही है वो उनके पत्रों का जवाब देना अपने लिए हीन समझती है, इसलिए समय पर कभी वो उसका जवाब नहीं देती, इसलिए भी कई बार विलंब होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है 2017 की परीक्षा में भी एक समय ऐसे बादल मंडराए थे कि शायद ये नोटिफिकेशन 26 नवंबर को नहीं आ पाएगा, लेकिन जब ऊपर के स्तर से थोड़ा दबाव बना कि भाई उसको आप जल्दी भेजें। ठीक है, आपको दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, बहुत सारे विभाग ऐसे रहते हैं जो समय पर आखिरी तक नहीं भेज पाते, तो ये हो जाता है कि नोटिफिकेशन मान लो 250 पोस्टों के लिए निकलता है और दो महीने बाद जब उनके रिक्तियां आती हैं तो परीक्षा हो जाने के बाद कई बार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती है, वो 250 से 350 किया जाता है। तो हमारे यहाँ के विभाग और वहाँ बैठे हुए अधिकारी इतने मस्त मौजी हैं कि वो संवैधानिक संस्था की आय पत्रों का जवाब देना भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। बिल्कुल त्रिवेदी जी, जिस तरीके से ये भ्रम आपने बताया, इसके पीछे भ्रम के पीछे राजनीति क्या हो सकती है, बीजेपी की मंशा क्या हो सकती है, और ये जो लीक हुई है चीजें वो कहां से लीक हुई जिसकी वजह से ये पूरे भ्रम की स्थिति बन गई और छात्र बेचारे खामोखा परेशान हो गए। 15 वर्ष के शासन काल के बाद पहले 15 सीट और बाद में 14 सीट की दुरावस्था को पहुंची भारतीय जनता पार्टी, अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर। आपके सवाल आप किया था आगे हो जाएगा तो कुछ परीक्षार्थी आयु सीमा के कारण वंचित तो नहीं हो जाएंगे। अरे साहब, 2003 से 2007 तक 4 साल उपाध्याय हमारे रायपुर पश्चिम के विधायक के नेतृत्व में पीएससी आंदोलन, जब इसके बारे में बात करने के लिए छात्र गए थे, उन पे लाठियां बरसाई गई थी, उनको जेल में बंद कर दिया गया था, उन पे आपराधिक प्रकरण बना दिए गए थे। इस राज्य की जो हालत भाजपा ने कर रखी थी, आज भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार लगातार स्थिति को बेहतर करने के लिए काम कर रही है, युवाओं के हित में काम कर रही है, और मैं इस बात को रेखांकित करके कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के लिए प्रदेश के युवा पहली प्राथमिकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेश नितिन त्रिवेदी जब से जुड़ने के लिए, शशांक जी आपका भी। जीरो ईयर पर जिस तरीके से भ्रम फैला हुआ था उसको सीधे सीधे सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है कि ये जीरो ईयर नहीं जाएगा, इस पर भर्ती होंगी, परीक्षा होंगी, नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, बस हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब जरूर हो। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।